भैया मुझे 500 रुपये चाहिए। छोटे मुझे एक बात बता। हाँ जी भैया बोलिए। तू इस नोट को फेंक सकता है क्या? हाँ बिल्कुल फेंक सकता हूँ, अभी फेंक के दिखाता हूँ भैया आपको। भैया ने इतना छोटा सा काम दिया, इसको फेंकना ही तो है। क्या है, फेंक देता हूँ। रुक, क्या हो गया? ये काम कभी मत करियो, मुझे नहीं तुझसे ये उम्मीद थी। भैया नाराज क्यों हो गए? भैया ने खुद ही काम दिया। चलो कोई नहीं, अब 1000 रुपये मांग के देखता हूँ। चलो भैया मनाता हूँ पहले। भैया आप नाराज क्यों हो गए? चलो कोई नहीं, आप अब मुझे 1000 रुपये चाहिए। छोटे तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों भैया, मैंने क्या किया है? क्यों भैया, तुझे पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुझे पैसे चाहिए, मेरे दोस्त के घर काम लग, वहां नौकरी कर और 2 वक्त की रोटी कमा और पैसे की कदर समझ। ठीक है भैया, मुझे काम पे लगवा दो, मैं काम कर लूंगा। ठीक है छोटे। भाभी इसको कहाँ रखूं? किचन में रखते सारा इसको। सौरभ। हाँ जी भाभी। ये ले तेरे हफ्ते भर की कमाई, 500 रुपए है। ठीक है भाभी, अब मैं भी दिखाऊंगा भैया को कि मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। ये देखो भैया मेरे मेहनत की कमाई। अरे वाह, अरे ये क्या तेरे हाथों को क्या हो गया? भैया अब काम तो करना ही पड़ेगा। तेरी मेहनत की कमाई? हाँ जी भैया, मैं मेहनत करके कमा के लाया हूँ। आज मुझे तेरे पे गर्व है, चला बाहर चलते हैं। चल। तो ये तेरे मेहनत की कमाई है हफ्ते भर की? हाँ जी भैया। भैया क्या ये क्या कर रहे हो भैया? नोट छोड़ रहा हूँ जैसे तूने पिछले हफ्ते छोड़ा था। नहीं भैया, मैंने पूरे हफ्ते कर दिए इसको कमाने के लिए, इस नोट को कमाने के लिए पूरे हफ्ता मेहनत किया मैंने। तो यही तो मैं पिछले हफ्ते तुझे समझा रहा था कि मैंने तुझे एक बार नोट फेंकने को बोला तो 1 मिनट में मान गया। मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, अगर तुझे ये पैसा चाहिए तो इसकी कदर करना सीख, तभी ये तेरी कदर करना सीखेगा। मेहनत की कमाई थी वो भी मेरी, कभी भी नोट को फेंकना नहीं चाहिए, उसकी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितने काम वो हमारे आता है। ठीक है भैया, आगे से मैं इज्जत करूंगा नोटों की और पैसे वहीं खर्च करूंगा जहां पे जरूरी हो। तो यही उम्मीद मैं आप सबसे भी करता हूं कि इस नोट की, इस पैसे की हर कोई कदर करे ताकि ये नोट, ये पैसे आपकी कदर कर सकें। ऐसे ही दक्ष वर्सेस सौम्या के साथ बने रहें, हम फिर से लौटेंगे कुछ और अच्छा और एंटरटेनिंग लेके। तो दोस्तों अगर आपको कोई बड़ा आपको सिखाता है कि पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए तो आप उनसे ज़रूर ये सीखें, क्योंकि पैसे कहीं भी ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए, बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है पैसे। देखा तो, छोटा आज कितना समझदार हो गया। तो भैया ने मुझे सिखाया कि पैसे हमेशा वहीं खर्च करना चाहिए जहां जरूरी हो। तब तक ले दोस्तों हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिए है।